अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस, रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मेरा जो आज का मौजू है वो है पाकिस्तान में पंजाबी फिल्मों का नया रूप, नया अंदाज़ और नई जिद्दत। दो मिनट और कुट खा लें दी बाजी, ते आज साड़ी इससे चे गुर्बत ना होंदी। मोहम्मद खान जो कहता है वो करके दिखाता है। जस्टिस जहाँ होता है जस्टिस होता है। आजा मेरे राजा, मेरे प्यार वाला पान आज खा जा। मीठा जे नाले तिखा जे, मीठा जे नाले तिखा जे, ए लाल रंग आओ मैनू ला जा। विकन दी आदत कानून दी होंदी है, जैसा गैरत दी नहीं। कौन स्वाद आवेगा मारण दा भी ते मरण दा भी। मेरे नाल वसदा जादा सोनिया, सानु तेरे उते बड़ा मान सोनिया। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि जब शुरुआत में जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जब वजूद में आई तो उस वक्त उर्दू के साथ साथ पंजाबी फिल्में भी बननी शुरू हो गई थी, लेकिन वो पंजाबी फिल्में खास किस्म की होती थी, जो घरेलू टाइप की होती थी या लव जो पुरानी कहानियाँ थी प्यार मोहब्बत की उनको लेकर फिल्में बनाई गई थी, जैसे हीर हुआ, बेराना पाटे खान और इस किस्म की बहुत सी फिल्में, पैरे, इस किस्म की बहुत सी फिल्में। लेकिन एक फिर दौर ऐसा आया जब सुधीर का दौर आया तो कुछ एक्शन फिल्मों का दौर आया, तो उस वक्त भी अच्छी अच्छी घरेलू सब्जेक्ट पे भी पंजाबी फिल्में बनने लगी। सुधीर के बाद जब सुलता राय और बसपा कुरैशी का दौर आया तो उस वक्त तो कुछ कह नहीं सकते कि किस किस्म की पंजाबी फिल्में आई। वही गुज्जर बदमाश, गुज्जर दवेर, जट नत, ये वो इस किस्म की फिल्मों की भरमार थी। और बड़ी अजीब सी बात थी कि उन लोगों की कहानी पेश की जाती थी जो हमेशा जंग और जदल, फसाद और इन्हीं चीज़ों में मुलव्वस होते थे, तो हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर थे तो उन्हीं को हीरो बना के पेश करते थे। और अजीब इत्तेफाक ये भी है कि उनको देखने वाले भी लोग होते थे। और सुलता राय की फिल्में तो डबल डायमंड जुबली करती थी, जैसे चनवरियाम, साला साहब, इस किस्म की फिल्में, और मौला जट, जट द कड़ाक, इस किस्म की फिल्में के कुछ कह नहीं सकते। कुछ फिल्मों की जो तस्वीरें वो अब मैं आपके सामने पेश करता हूं, आप ये देखिए कि किस किस्म की फिल्में हमारे पाकिस्तान में बननी शुरू हो गई थी। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि हमारी फिल्मों के हीरो के कपड़े, उनके विग, उनके ड्रेसेस किस किस्म के थे, लेकिन फिर भी लोग उनको देखने जाते थे। लेकिन इनके साथ साथ कुछ अच्छी फिल्में भी बनने लगी थी, जैसे खान चाचा हुआ, खून पसीना हुआ, और माँ पुत्र में चूँ एक्शन भी था लेकिन माँ पुत्र एक घरेलू सब्जेक्ट पे बनी हुई थी और एक बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन इसके बाद काफ़ी अरसे के बाद फिर पंजाबी फिल्मों में सुल्तानी के बाद फिर शान आया। शान के दौर में भी उसी टाइप की फिल्में बननी लगी थी जो राय साहब की फिल्में थी। कुछ उन फिल्मों की तस्वीर आपके सामने पेश करता हूं, आप देखिएगा।
जी नाजरीन, आपने देख लिया कि किस किस्म की फिल्में बनने लगी। हाँ, शान की इन फिल्मों के साथ साथ कुछ अच्छी फिल्में भी बनने लगी, जैसे लौंग द लश्कारा, इस किस्म की एक आध फिल्में बनी। लेकिन ये फिल्में जब काफ़ी अरसे के बाद जब एक्शन फिल्मों का ऐसा दौर दौरा हो गया कि तब कराची और लाहौर के तमाम सिनेमाओं में ऐसे ही फिल्में लगी थी, तो सैयद नूर साहब, जिसको हम शोमैन भी कहते हैं, जिन्होंने उर्दू फिल्मों के बाद फिर एक पंजाबी फिल्मों को एक नया टच दिया और फिर चूड़ियाँ के नाम से एक फिल्म बनाई, जैसे बहुत से लोगों ने तनकीद भी किया कि आपने पंजाबी फिल्म बनाई और उनके गाने सारे सॉफ्ट किस्म के हैं, किस किस्म के गाने हैं। और ये भी वाकया बहुत मशहूर है कि जब ये फिल्म रिलीज़ हो रही थी तो सैयद नूर और प्रोड्यूसर में कुछ नाचाती हुई थी, और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो सैयद नूर साहब मुल्क से बाहर चले गए थे। लेकिन जैसे अल्लाह रखे से कौन चक्के, उस फिल्म ने जो रिकॉर्ड बिजनेस किया, आज तक उसके रिकॉर्ड को कोई तोड़ ना सका सिवाय सैयद नूर की ही मजाजन ने। उस फिल्म ने इतना बिजनेस किया, उसके बाद इसी किस्म की फिल्में बनने लगी, फिर मोहब्बतें सच्चियाँ, मेहंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी वाले हाथ, इस किस्म की फिल्में बनने लगी। लेकिन इसके साथ साथ गुज्जर और पेशी गुजरा थी, इस किस्म की फिल्में भी साथ साथ चल रही थी। तो हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जो टीवी से आए हैं, बिलाल लाशारी ने एक फिल्म बनाई थी वार, वो उर्दू फिल्म थी, एक्शन फिल्म थी, और इत्तेफाक से वो कामयाब भी गई और उसने रिकॉर्ड बिजनेस किया पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान भी, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया। अब उनके पता नहीं कैसे जहन में आया कि उन्होंने हमारी जो सबसे ज़्यादा कमाने वाली सबसे बड़ी पंजाबी फिल्म है मौला जट, उसको रिटर्न ऑफ मौला जट का नाम दिया और उसको एक जदीद अंदाज में, जैसे इंडिया में जो फिल्में बनती हैं उसी अंदाज से इस फिल्म को पिक्चराइज किया, उसी अंदाज के सेट लगाए, आर्टिस्टों का गेटअप उस तरह किया, बैकग्राउंड म्यूज़िक इस तरह दिया, वो एक बहुत बड़ी फिल्म बन गई। और अब इत्तेफाक की बात है, जब ये फिल्म मुकम्मल होने को आई तो मौला जट, जो बाजी का मौला जट है, उसके प्रोड्यूसर ने उस पर केस दायर किया। वो एक बात लंबी हो गई, आप जब दोनों में बात तय हो गई, चलो भी आप इसको रिलीज़ कर सकते हो, उन्होंने परमिशन भी दे दी, लेकिन फिर कोरोना आ गया, कोरोना के बाद फिर ऐसे हालात हो गए कि फिल्में रिलीज़ करना भी बहुत मुश्किल वाली बात थी। उन्होंने फिर अपनी मौला जट दोबारा रोक दी। उसके बाद जब ईद पे उनका ऐलान था, छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे, लेकिन फिर वो भी सोच रहे थे कि इसको किस तरह रिलीज़ करें, क्योंकि उसकी वो आईपीटी बन रही थी, जितना खर्चा उस फिल्म पे हुआ है, जितनी महंगी फिल्म बनी है, वो सोच रहे थे कि शायद एक ही हफ्ते में वो सारे पैसे कवर हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान में ये नामुमकिन है। अब ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, उसके बाद उनके भी डेट भर गए, अब पता चला कि ये फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। अच्छा, साथ साथ अब मैं एक ऐसी शख्सियत का आपके सामने जिक्र करता हूँ जो जो स्टेज, जो एज ए सहाफ़त, और जिन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई और बनाने का ऐलान भी किया और फिल्में बनती गई, लेकिन इनकी एक अपनी सोच थी कि मैं फ़िल्म को इस तरह बनाऊँ। तो फिल्म बनते बनते फिर डायरेक्टर से या आर्टिस्टों के साथ उनकी ना बन सकी और बहुत सी फिल्में अल्तवा का शिकार हो गई, और अब भी बहुत सी फिल्में तकरीबन 75% या 80% तैयार हैं, लेकिन वो फिल्में सिनेमा स्क्रीन की जीनत नहीं बन सकी। उसकी वजह ये है कि ये शख्सियत जिसका मैं अभी जिक्र करूँगा, उनकी अपनी एक सोच है, वो इसमें इसके अंदर डायरेक्शन भी है, इसमें एक्टिंग भी है, और वो जुमले भी अच्छे बोल सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टरों में, आर्टिस्टों में और स्टेज आर्टिस्टों में उनकी बैठक रही, उनसे दोस्ती रही, और बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ उसकी दोस्ती थी। अब उसकी एक सोच, उसमें भी एक सोच आ गई, तो उन्होंने एक फिल्म स्टार्ट की, कुंडी ना कड़का। जी हाँ, मैं जिस शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ वो है मलिक याकूब नूर। इनकी फिल्म कुंडी ना कड़का जब उन्होंने स्टार्ट किया था
तो असमे मामूल बहुत से दोस्तों ने यही कहा कि भाई ये फिल्म भी सबका फिल्मों की तरह डब्बों में बंद हो जाएगी या फिल्म नामुकम्मल हो गई। जैसे उन्होंने फिल्म कुंडी नरकर का स्टार्ट की, उसका गाना एक मुकम्मल किया, उसको एडिट किया और सोशल मीडिया में उसको डाल दिया। अब लोगों ने देखा कि यार मलिक याकूब नूर का ये गाना तो बहुत खूबसूरत है, गाना भी अच्छा है, धुन भी इसकी अच्छी है, पिक्चराइजेशन भी अच्छी है और उसकी लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद एक और गाना मलिक साहब ने सोशल मीडिया में लोड किया, वो गाना भी। अब साथ साथ वो जो सीन पिक्चराइज करते थे सिर्फ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में डालते थे, तो सोशल मीडिया का भी मलिक साहब को बड़ा सहारा था कि कुंडी नकड़ का एक ये समझ लो, अगर मलिक साहब नाराज़ ना हो तो मजाक मजाक में एक फिल्म बन गई थी, लेकिन वो एक अब बहुत बड़ी फिल्म बन गई है। उस तेरे नाल वसदा जा सोनिया, सानू तेरे उत्ते बड़ा मान सोनिया। उसने जो हाइप अभी इस वक्त जो ली है पूरे पाकिस्तान में इस फिल्म की धूम है। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, एक तो इस फिल्म के खूबसूरत गाने हैं और वो तमाम गाने सोशल मीडिया में है। अखियां तो दूर न तो जावे मेरे होनिया, अखियां तो दूर न तो जावे मेरे होनिया, लगियां दे लग तो निभावी मेरे जानिया, लगियां दे लग तो निभावी मेरे जानिया, निक्का जे कर इसके साथ साथ मलिक साहब ने एक बहुत ही जरूरतमंदाना फैसला किया कि अपनी फिल्म को पाकिस्तान के नए लेकिन सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इदारे मेट्रो लाइव से रिलीज़ करने का प्रोग्राम बनाया, उसकी प्लानिंग की और मेट्रो लाइव ने भी इस फिल्म को एक बहुत बड़ी फिल्म बना के पेश किया और इस वक्त सोशल मीडिया में बल्कि कराची में एक हमारे सीनियर डायरेक्टर सैयदूर साहब की फिल्म तेरे बाजरे दी राह की, जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट भी थे, लेकिन वो फिल्म कराची में रिलीज़ ना हो सकी और हैदराबाद में सिर्फ दो शो चली। लेकिन कुंडी नकड़ का कराची के न्यू प्लेक्स, सिनेप्लेक्स, एट्रियम, कैप्री में कंटिन्यू उसके पोस्टर लगे हुए हैं और कंटिन्यू रिलीज़ होगी। ये समझ लो कि पहली पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म होगी जो पाकिस्तान के न्यूप्लेक्स, सिनेप्लेक्स और ऐसे स्क्रीन पे जिसकी नुमाइश हो रही है, और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और वजह इसकी यही है कि इस फिल्म की तस्वीर, इस फिल्म का जो फोटो सेट है वो सोशल अंदाज का है, उसमें जो फीमेल आर्टिस्ट हैं वो सब फ्रेश लुक के हैं और कोई इसमें बुढ़िया किस्म की कोई हीरोइन नहीं है, ना कोई इस किस्म के आर्टिस्ट है। और मलिक याकूब नूर भी एक ये समझ लो कि फ्रेश लुक है, ठीक है वो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं, लेकिन कुंडी नकड़ का के तवस्त से वो समझ लो कि एक फ्रेश लुक है और पहली बार अपनी फिल्म में वो हीरो आ रहे हैं। इस फिल्म के गाने और उसके कुछ झलकियाँ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा। ਮਿੰਟ ਔਰ ਕੁਟ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੁਰਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜੋ ਕਹਤਾ ਹੈ ਵੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪਾਨ ਅੱਜ ਖਾ ਜਾ, ਮਿੱਠਾ ਜੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਜੇ, ਮਿੱਠਾ ਜੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਜੇ, ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈ ਸਾਹਿਬ, ਗੈਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੋਹਣਿਆ। तो आपने देख लिया कि इसकी इस फिल्म की पब्लिसिटी कितनी हो रही है और कैप्री सिनेमा, न्यूप्लेक्स, एट्रियम और इस मेट्रो लाइव के रूए रवा उमर खिताब खान जो
एक बहुत मेहनती शख्स है और इस फिल्म को किस तरह रिलीज कर रहे हैं वो आप खुद देखेंगे। और मुझे यूं लगता है कि शायद मुस्तकबिल करीब में मेट्रो लाइव भी ऐसा इदारा हो जो ऐसी फिल्मों को रिलीज कर सकता है और उनको जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहते हैं कि हमारी फिल्में छोटी हैं लेकिन मेट्रो लाइव में जब वो आती हैं तो बहुत बड़ी फिल्म बन जाती है। उसका नमूना अब आपके सामने है कि मेट्रो लाइव ने इस फिल्म को कहां तक पहुंचा है। इसके साथ ही मैं मेट्रो लाइव के उमर खताब खान, फिल्म के हीरो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मलिक याकूब नूर और इसकी पूरी टीम को पेश की मुबारकबाद देता हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि ये फिल्म पूरे पाकिस्तान में कामयाबी के झंडे गाड़ देगी और एक पंजाबी फिल्मों का जो एक नया रुझान जो पैदा हुआ है वो फिर दोबारा शुरू हो जाएगा और पंजाबी फिल्मों में भी क्लासिक फिल्मों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि मलिक याकूब नूर साहब इस फिल्म के कामयाबी के बाद इसी किस्म के नगमाती और सोशल फिल्में बनाते रहेंगे। इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए।